हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट सम सॉल्यूशन। आज कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल के जो टायर वन हुआ 2019 में, उसमें जितनी भी डीआई आई हैं वो कर रहे हैं। और ये देखो, आपके टायर टू के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डीआई का सेक्शन आता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि मैं इसमें जो मेथड बताऊंगा ना आपको, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं यही कहूंगा, पेन और पेपर रख के एक बार इस वीडियो को बस बरवली देखोगे तो आपका ये काम चल जाएगा इससे। दूसरी बात, ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, ये पीडीएफ आपको ईस्टर्न सॉल्यूशंस पर मिल जाएगी, इस चैनल पर, टेलीग्राम को जो हमारा चैनल है इस पर मिल जाएगी, और ये मैंने कंपाइल नहीं की है। अब इस क्वेश्चन में वन बाई वन देख लेते हैं, सभी शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, कम से कम पेन पेपर यूज करके, ठीक है? तो देखो इसको, और एक बार वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, नहीं हो तो वीडियो को प्ले कर लेना। 2013 और 2014 आर पुट टुगेदर विच टाइप ऑफ कार्स 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? 2013 और 2014 में टोटल कार का 25% किस टाइप की कार के बराबर है? तो इन दोनों का कितना हो गया टोटल? 300 हो गया। 300 का 25% निकालो, कितना आ गया? 75 आ गया। अब देखना है टोटल 75। मुझे तो देखो, इन दोनों में केवल एक ही ऑप्शन लग रहा है, सीधा सीधा डी। डी का प्रोडक्शन जो टोटल हो गया इन दोनों ईयर में वो कितना है? 75 है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इन द ईयर 2015 विच टाइप ऑफ कार एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस दैट ईयर। 2015 की बात कर रहा है और टोटल कितना है इसका? 100 है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो क्या हो जाएगा? ई इसका आंसर होगा, क्योंकि एक ही में 20 है। ई क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, द परसेंट डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विद रेफरेंस टू 2016 वॉज द मैक्सिमम। इसने बोला है कि 2017 में 2016 के करस्पॉन्ड सबसे ज्यादा परसेंट डिक्रीज जो है मैक्सिमम किस में है। अब देखो यहाँ पर परसेंट डिक्रीज कितना है? 24 है, 36 से 12 हुआ है ना, तो कितना घटा है? 24 घटा है। इसके बाद देखो, 12 से 48 हो गए, तो इंक्रीज है। तो सीधे सीधे अगर ऑप्शन बी इसमें वैसे तो है नहीं, होता तो कट जाता। अब इसमें कितना डिक्रीज हुआ है? देखो, 4 का डिक्रीज हुआ है किसमें? 44 में। अब इसके बाद डिक्रीज किसमें है? कितना डिक्रीज हुआ है? 16 डिक्रीज हुआ है किससे? 38 से। इसके बाद क्या है इसमें? कितना डिक्रीज हुआ है? 22 डिक्रीज हुआ है किसमें? आपका 50 में। बात समझ में आ रही है? ये तो ए का है, ये आपका सी का, ये डी का, ये ई का है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ये सॉल्व नहीं करना है कहीं पर भी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पता कर लेता हूँ सबसे ज्यादा किसमें मुझे ये पता करना है। तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई 44 है, इसका आधा यानी 50% कितना होता है? 22। तो ये तो 50% से काफी कम है। इसका 50% कितना होता है? 90। इसका 50% कितना होता है? 25। तो ये 25 से कम है। इसका 15% कितना होता है? 18। लेकिन ये क्या है? 18 से क्या है? ज्यादा है। यानी 50% से वैल्यू क्या है इसकी? ज्यादा है। यानी कि 60, 65 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही होगी इन दोनों को कटने पर। अब ये क्या है, समझ में आ गई बात? 36 का आधा क्या है, 50% क्या है? 18। ये 50% से ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो परसेंट होगा वो इन सभी के परसेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या है? 19 है, इसके 50% से ही कम रह गया। तो पूरा क्या जो आएगा आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 50% से कम आएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यानी 0.5 से कम आएगा, और ये वैल्यू क्या आएगी? 0.5 से ज्यादा आएगी। तो हमें तो क्या सबसे ज्यादा परसेंट चाहिए ना डिक्रीज में। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये किसमें है? ए में। तो ए इसका क्या हो गया? ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब देखो, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2011। 2011 से और 2016 की बात कर रहे हैं, परसेंट इंक्रीज की बात कर रहा है। देखो, परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है इन द टोटल कार्स की बोल रहा है। 120 से 118 हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है? 16 इंक्रीज हुई है किससे? 120 से। तो कितना हो गया? सीधे सीधा 50% हो गया। बात समझ में आ गई? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। अब इसके बाद देखो, द नंबर ऑफ द ईयर्स इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी डी। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स की बतानी है इसमें बात। और कंपनी डी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई बी इन गिवन 6 ईयर्स। तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इस 6 ईयर्स में जो बी में रिक्रूट हुए हैं उन सबका एवरेज क्या है, और उस एवरेज से क्या है कम कौन से हैं डी कंपनी में। तो हमें ये निकालना है, सबसे पहले बी का एवरेज निकालेंगे। अब इनका सबका टोटल करने लगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 से कितना कम है? माइनस के 10। ये कितना ज्यादा है? प्लस के 18। ये कितना है? माइनस के 2। ये कितना है? प्लस के 6। और ये कितना है? प्लस के 12। और ये कितना है? प्लस के 18। बात समझ आ रही? बी की चल रही बात, तो मैंने इस तरह से ले लिया है। अब ये क्या है? 10 और 2 12, तो ये सीधा सीधा तो ये कट जाएगा। और ये क्या? 18 36 और 6 42। 42 हो गया। अब ये कितने लोग हैं? 6 ईयर है, तो यानी कि 6 का डिवाइड कर दूं तो प्लस के 7 आ रहा है। बता रहा ना,
प्लस की चीज आ रही है, और आपने क्या माना था, एवरेज माना था 100, लेकिन प्लस के 6 और क्या होना है, ऐड होना है इसका, प्लस के 7 क्या होना है और ऐड होना है, इसका मतलब इसका जो एक्चुअल एवरेज है वो क्या है, 107। अब इन सबका आप टोटल करते हो, टोटल करने के बाद उनमें डिवाइड करते हो, तो क्या एक थोड़ी सी रहती है पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपका गलत हो जाए या फिर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये बहुत क्लियर सेटअप है। अब देखो ये क्या है, इनका टोटल कर लिया आपने, प्लस में देखा प्लस में आ रहा था 42 आ रहा था, कितने में पार्टीशन कर दिया, 6 में बराबर बांट दिया, प्लस 7 आ रहा था, प्लस 7 इसमें ऐड कर दिया, 107 इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब आपको क्या देखना है कि कितने ईयर्स हैं जिनमें डी कंपनी का एवरेज 107 से क्या है, कम है। डी कंपनी का एवरेज 107 से, एक तो ये है, एक दो तीन और तीन, तीन इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और नॉर्मल सा इसका तरीका है। तीन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाई कंपनीज ए एंड बी इन 2015 एंड 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाई सी, यानी किस तरह से ये रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का 2015 में देख लेते हैं, ए का 2015 में क्या है, 132 है, ओके। और ए का 2015 में 132 है, और बी का क्या है, बी का 2018 में, बी का 2018 में कितना है, 112 है, ओके। अब ये कितना हो गया टोटल, दो और दो चार, और दो और दो चार, तीन और एक चार और दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सी का कितना है आपका, सी का 2014 में, सी का 2014 में 85, एंड डी का 2018 में कितना है, 125, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 और 1 11, हंस लगी 2, 210 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लो, कट कर लोगे तो ये क्या है, सिंपल सा 2 2, और ये क्या है, 105, तो ये रेशियो आ रहा है। बट ऐसा कोई रेशियो तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही, ऐसा कोई रेशियो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी है। तो आप क्या करोगे इसमें, अब क्या मिस्टेक हुई है इसमें, या तो कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ एक चीज हो सकती है इसमें कि इसने कहीं भी इस तरह से नहीं बोला है कि क्रमशः, तो हो सकता है हमें ये दोनों चीजें एक साथ लेनी पड़े, ठीक है। यानी 2015 और 2018 का ए में, 2015 और 2018 का बी में, तो 2015 और 2018 का देख लेते हैं, 2015 और 2018, ठीक है, 2018 का ए में कितना है, 132 और 148, यानी 3 और 1 4, यानी 14 दूनी 28, 280 तो किसका हो गया, ए का हो गया। अब सेम बी का क्या होगा, बी का है 118 112, यानी कि 230 किसका हो गया, बी का हो गया। अब ये कितना हो गया, 8 और 3 11, यानी कि 51, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बार देख लो, आप इस चीज को यहीं तक रोक दो, आप आगे सॉल्व मत करो, क्योंकि देखो ये चीज सॉल्व होगी तो कहीं ना कहीं ये फैक्टराइज होगी, बात समझ में आ रही है, फैक्टराइज होगी। तो फैक्टराइज होने में मुझे एक चीज पता लग रही है इसमें कि 51 का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं 5 लाएगा या 2 लाएगा, देखो 17 51 2 5, अब कहीं भी ऐसा कुछ बन रहा है कि 3 दूनी 6 या फिर 17 दूनी 34, नहीं, लेकिन 17 जरूर आ रहा है, ठीक है, 17 जरूर आ, तो इसका आंसर जो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। अब आप नहीं हो रहा कि मुझे पूरा ही करना, तो पूरा करके देख लो, सी की वैल्यू 2014 और 2018 दे, आंसर सेम आएगा, 2014 और जो 2018 में सी की वैल्यू क्या है, देखो 8 और ये कितना होगा, 190, और 2018 में और 2014 में डी की वैल्यू क्या है, 2018 और दो देखो 130, यानी कि 230, 230 हो गया। अब ये क्या है, 9 और 3 12 की तो हंसी लगी, यानी कि 42। अब देखो 510 को आपको किससे डिवाइड करना है, 420 से करना है, सीधा सीधा, ठीक है, तो 14 की 42, सॉरी 3 से 14 बार, और ये 3 से 17 बार, ठीक है, सेम आ गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको यहीं तक छोड़ देना, आपको देखना है फैक्टर किसके बन रहे हैं, या तो ना तो 10 का फैक्टर बन रहा है, ना 3 के साथ किसी का फैक्टर बन रहा है, या सिर्फ सिंपल ही, अब आप कहोगे 9 है, 9 तो सिंपल ही क्या है, 3 अगर यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, 3 है ना, ओनली 3 है, तो आपके पास 9 कैसे आ सकता है, तो एक और 3 चाहिए इसके लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये इसके लॉजिक हैं छोटे छोटे, जिनमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और साइंस में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो इतने पढ़ रहे हैं, और वोकेशनल में कितने पढ़ रहे हैं, 40 पढ़ रहे हैं, और इसमें कितने, 8 + 13 और 1, यानी कि 53, समझ में आ गई बात। और टोटल कितने हैं, ये तो आपके 40 है, ये आपके 53 हैं, ये कितने, 7 + 5 = 12, और ये कितना है, 7 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना है आपका, 4 4 8 85, तो इन सब का टोटल क्या होगा, 5 और 2 7 और 3 10 1 5 और 8 5 13 और 7 20 और 5 25, तो 250 में से कितने आ रहे हैं, 3 और 9,
यानी कि 250 में से कितने आ रहे हैं, 93 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो इनका परसेंटेज कितना हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सिंपल क्या कर दो, 25 से 4 बार, ये 10 बार, तो 4 तिया 12 है। अब देखो पीछे 2 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, 4 तिया 12 हो रहा है ना, तो 4 तिया 12 ठीक है, 4 नाम 36 और 37। अब पूरा सॉल्व करने की आपको क्या जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल सिंपल कुछ एक जगह है जहाँ पर आपको एडिशन करना पड़ेगा, वहाँ आपको एडिशन करना ही पड़ेगा ठीक है, उसमें एडिशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। हाँ कई जगह ऐसी हैं यार इशू आपको निकालने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप बिना निकाले भी काम चला सकते हो। जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें परसेंट डिग्री सबसे ज़्यादा पूछा था, तो ऐसे आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई, देखो ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार कर रहा हूँ आपके सामने, और ऐसा नहीं है कि मैंने ये सभी क्वेश्चंस पहले कर लिए हैं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि उनको दो दो तीन तीन बार करने के बाद वो आपको कराए ठीक है। और ये हर एक टीचर के लिए है जो ऑनलाइन पढ़ाता है और जिन्होंने पहले एग्जाम दिए इनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, वो कभी भी ऐसा चीज़ नहीं करते कि सभी क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार करके बैठे हुए हैं फिर उनको बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ही है, और आप कोई भी नया क्वेश्चन भेजिए हमको इसी मेल आईडी पर @gmail.com, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे ठीक है, आपको वीडियो फॉर्म में या आपको इंडिविजुअली हम इसको बता देंगे आपको। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी ए इन 2014 टू 2017, यानी ए कंपनी में 2014 से 2017 ठीक है इसकी बात हो रही है यहाँ तक, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई ऑल फोर कंपनीज इन 2019, 2019 के सभी का कितना परसेंट है, कितने परसेंट ज़्यादा है ये बोल रहा है ठीक है। तो यहाँ पर ये निकाल लेते हैं पहले इन सबका टोटल क्या है। अब देखो ये टोटल निकालने सबसे अच्छा मेथड है कि 18 है और ये 22 है, ये कितने हो गए 40 हो गए, और ये कितना हो गया 50 हो गए, 50 50 कितना हो गया 100 हो गए। अब 1 2 3 4 यानी कितना हो गया 500, तो सीधा सीधा हो गया, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बात समझ में आ गई, यहाँ से 500 ये टोटल हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए का निकालना है, ए का 120 और ये कितना है आपका, देखो ये 3 और 2 5 और 6 यानी कि आपका कितना हो गया 260, 260 और ये आपका कितना हो 300 और ये 400, तो ये 500 हो गया, 520 होगा। अब कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है किससे, 500 से, आपको परसेंट में चाहिए ठीक है, बात समझ में आ गई, तो परसेंट में चाहिए 1 2 1 2, तो ये कितना हो गया 520 हो गया, तो 4% क्या आ गया इसका, सीधा सीधा आंसर आ गया ठीक है, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी बी इन 2014, देखो बी में 2014 और 2017 है, सेम वही क्वेश्चन है, बी में 2014 में कितने 90 और 2017 में कितने 106 ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई सी ड्यूरिंग द 2015 से 2019 के बीच में, जो सी के हैं एम्प्लॉयज यानी कि जो रिक्रूट हुए हैं उनसे परसेंट पूछा है इसने, तो इन सबका टोटल करना पड़ेगा, तो इसका टोटल करना चाहो वैसे कर लो, नहीं तो अगर आप सिंपली वैसे करना चाहते हो वैसे करो, जैसे भी आप करना चाहते हो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 3 और 4 7 और 15 और 5 20 ठीक है, तो ये आपका 0 और 2 और 1 3, 3 और ये कहता है 9 3 27, 3 और 30 तो 3 ओके, 3 और 1 4 और 1 5 ठीक है, ये 500 आ गया आपका, और ये कितना क्या 6 और ये 9 और ये 100। अब ये आपको 5 का डिवाइड करना है सीधा सीधा, तो 5 3 15 और 4 गए 15 45, 5 2 10, तो 39.2 इसका क्या हो गया राइट ऑप्शन हो गया ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें कुछ और मिस्टेक तो नहीं किए, नो ठीक है, यहाँ 2 दे रखा था और यहाँ एंड दे रखा था, तो ये जो है ऑप्शन राइट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, स्कोर दे रखा है, और बोला है कि हु गॉट 20 और मोर मार्क्स, यानी कि 20 और 20 से ज़्यादा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल। अब देखो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स इतने दे रखे हैं, तो टोटल मैं स्टूडेंट पता कर लेता हूँ, 3 और 6 9 9 9 18 28, 28 यहाँ तक हो गए, 28 और 30 39 और 50 और यानी कि 54 तो यहाँ तक हो गए ठीक है, यहाँ तक 54 हो गए, 18 54 72 ठीक है, 72 ये हो गए, 5 और 3 8 यानी कि 28 ये हो गए, तो आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 100 हो गए, बात समझ आ गई। अब आपको 100 स्टूडेंट्स में ये चीज़ है आपको पता करना है कि 20 और 20 से ज़्यादा कितने, अब देखो यहाँ तक तो 20 हो गए आपके, 20 तक आए थे, 20 और 20 से ज़्यादा कितने वाले कैंडिडेट हैं आपको ये जोड़ना पड़ेगा ठीक है, बात समझ आ गई आपको, ये 6 और 3 9 9 9 18 28 ठीक है, और 4 3 42 यानी कितना है 42 है, तो ये सीधा सीधा परसेंट कितना हो गया 42% हो गया, बात समझ में आ गई आपको। इसने बोला है कि जो 20 लाए हैं और 20 से ज़्यादा जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो उनका परसेंटेज आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि भाई वो कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं, और 42 स्टूडेंट 100 में से कितना परसेंट होगा, 42% होगा ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव दियर सैलरीज मोर देन 4 टाइम्स दियर अदर इनकम्स ठीक है, कितने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है वो
उनकी इनकम के 4 टाइम्स दी है इनकम, अदर इनकम की जो 4 टाइम्स है उससे ज़्यादा है। तो अदर इनकम क्या है यहाँ पर, अदर इनकम है आपकी, देखो ये क्या है आपकी सैलरी है, ठीक है, और सैलरी के बाद ये आपकी जो पूरी है ये आपकी अदर इनकम है। कैसे पता लगा मुझे कि ओवर टाइम कर रहा है, देखो एरियर्स हैं, बोनस है, ये सब चीज़ें क्या है अदर इनकम में आ रहा है। तो मुझे सबसे पहले अदर इनकम से काम है, तो मैं यहाँ सबट्रैक्ट कर लेता हूँ कितना हो गया ये आपका 14,000 हो गया। अब मैं अगर 000 नहीं लिखूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कितना है ये आपका हो गया, इसको सबट्रैक्ट करोगे तो लगभग कितना 10,000, ठीक है 10,500। इसके बाद ये सबट्रैक्ट करोगे तो 10,000, और इसके बाद ये सबट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 से 31 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 9,000, और 317 से सबट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 6,700, ठीक है। अब इसने बोला है कि इनका क्या 4 टाइम्स जो है किसका, सैलरी से मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द, यानी कि किसकी सैलरी इनकी 4 टाइम्स से ज़्यादा है। तो इनकी 4 टाइम्स कितना हो गया, 4 × 7 = 24, 4 × 7 = 28, यानी कि ये तो नहीं हो रहा, ये तो 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 9 × 36 ये भी नहीं हो रहा, 10 × 40 देखो ये हो रहा है कि एक तो ये ऑप्शन हो रहा है। इसके बाद देखो 10 × 40 4 × 20 एक ये ऑप्शन है, 14 × 56 ये भी नहीं है, तो कितने हैं केवल दो हैं। तो कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं, बी और सी दो एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी जो है वो अदर इनकम के 4 टाइम्स से क्या है ज्यादा है, मोर देन द 4 टाइम्स दियर इन अदर इनकम। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट, सेम वही है, उसमें मार्क्स की बात थी, इसमें एज ग्रुप की बात है, तो यहाँ टोटल पहले करना पड़ेगा शायद, हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप। तो ओके यहाँ पर टोटल करने की जरूरत नहीं है, इसने बोला है कि 40 से 60 एज के बीच वाले पेशेंट कितने हैं। अभी मुझे 40 से कम है, लेस देन 40, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनमें क्या है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और इनमें होता कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। और लेस देन ये क्या 50, यानी कि ये बोला है इसने 60 से नीचे। अब ये क्या लेस देन 60, यानी कि हमको क्या करना है, हमको इन पेशेंट से काम चलाना है। बात समझ में आ रही है। अब देखो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो 50 ये कैंडिडेट्स हैं ना, इसमें जो पेशेंट हैं इनमें ये बाकी सारे पेशेंट भी शामिल हैं। बात समझ, लेस देन 70 बोला है, यानी कि इसमें लेस देन 10 वाला भी है, लेस देन 20 वाला भी है। तो लेस देन 60 वाले जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 45 है, ठीक है। लेस देन 60 वाले कैंडिडेट कितने हैं, 45 है, बट लेस देन 40 वाले कितने कैंडिडेट हैं, 29 है। तो हमें सीधा सीधा 29 को इससे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कितना हो गया आपका 16 हो गया। तो 16 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं इन दोनों के क्या है बीच में है। बात समझ आ रही है। 29 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो 40 से कम है, और 60 से कम कितने हैं, 45। तो इस 45 में 29 भी तो शामिल हैं, तो हमें 40 से अबव वाले चाहिए और 60 के कम वाले चाहिए। तो इनको क्या है 30 से गिनना चालू कर दो, 45 तक कितने हो गए, 16 हो गए। ये चीज़ इसका लॉजिक है। अब इसके बाद देखो द नंबर ऑफ मंथ इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी वॉज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर सी ओवर 6 मंथ। ओके फिर से अगेन क्या है, सी के एवरेज के साथ खेल रहा है। हम अगेन मान लेते हैं कि 100 क्या है इसका एवरेज है। तो पहले में देखो, पहले में क्या हो रहा है, माइनस के 5 हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है प्लस के 4, तीसरे में क्या है 0, कोई मतलब नहीं है माइनस के 1, चौथे में इसमें 0 हो गया, इसमें कितना हो गया प्लस के 2। अब अगेन करो 4 और 2 6 और 5 और 1 6, यानी कि 6 0 माइनस का और प्लस का ही 6, यानी कि क्या हो गया कट के 0 हो गया, यानी कि जो आपने जो एवरेज माना वही क्या है सी का एवरेज है। बात समझ में आ गई। तो वही क्या आपका सी का एवरेज हो जाएगा इसमें। अब देखो 100 जो है इसने बोला है कि किसका, बी का जो है वाज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई सी, यानी सी के कंप्यूटर जो एवरेज है उससे कम है। तो 100 से कम किसका है सी में, बी में 100 से कम है आपका 1 2 3 4, ठीक है 4 ईयर्स में है। तो इसने ये पूछा है 4 मंथ्स में नंबर ऑफ मंथ बताने हैं जिसमें बी का जो सोल्ड किए हैं बी ने कंप्यूटर वो क्या है, वो सी के एवरेज से क्या है कम है। तो सी का एवरेज 100 था, तो 4 लोग हैं, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर बी इन अप्रैल, टोटल अप्रैल इन बी, ओके 97, मे एंड जून यानी तीनों की बात कर रहा है तो ओके। अब इसके बाद इस वाट परसेंट, पहले बात तो इनको टोटल कर दो, 7 और 2 9, 8 और 16 17 के साथ लगी है, यानी कि 10 10 30 30, ठीक है। अब द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय द ऑल द डीलर इन फरवरी एंड अप्रैल, ठीक है फरवरी एंड अप्रैल में टोटल की बात कर रहा है। फरवरी में कितने हैं आपके, आपके फरवरी को ऐड करना है, और आपको किसको करना है अप्रैल को ऐड करना है। यानी इसका क्या पूछ रहा है, इनका परसेंट पूछ रहा है कि इन फरवरी और अप्रैल में जितने भी सोल्ड हुए हैं उनका कितना परसेंट है 307।
तो ये कितना हो गया, 210 तो सीधा सीधा ये हो गया, और ये कितना है आपका 190 हो गया, तो 210 और 190 कितना हो गया 400, तो ये हो गया ठीक है। अब इसकी बात करते तो 96 यानी 6 और 9 6 15, 15 और 7 22 और 8 कितना 30 यानी कि 3, तो 9 3 70, 9 6 36, 36 और 4 कितने हो गए 40 हो गए, तो ये कितने हो गया 800 हो गया। तो आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो 8 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। देखो 8 में आएगा पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं आएगा और ना ही ये ऑप्शन आएगा, 8 नीचे आएगा, तो 8 दूनी 16, 8 24, तो कितने बच गए आपके 6, 8 ना 72, 64 ठीक है। अब 3 बच गए अपॉन में 8, तो आपका कितना 38, 3/8 आपका राइट ऑप्शन हो गया। बात समझ आ गई, थोड़ा सा क्या टोटलिंग करनी पड़ती है, आप टोटलिंग से बच नहीं सकते कहीं पर भी, और जहां टोटलिंग होनी है वहां होनी है। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर ए ड्यूरिंग फरवरी टू जून, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि ए की बात कर रहा है फरवरी से जून में, फरवरी से जून में ये लो भाई ठीक है, ये बात कर रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई ऑल डीलर इन जून, तो जून के टोटल नंबर ऑफ जो डीलर्स ने जो सोल्ड किए हैं टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर, उनका परसेंट पूछ रहा है कि उनसे कितना परसेंट ज्यादा है ठीक है। आप ऐड कर लो, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 1 16 एक, और ये क्या 10 10 20 30 और 39, तो 39 हो गए। अब फरवरी से लेके जून में किसकी बात कर रहा है इसने, ए की बात की है, फरवरी से जून का जोड़ दो, 4 और 5 9 8 और 16 17 17 8 5 13, यानी कि 30, तो कितना हो गया 3, और 3 में कितना हो गया ये आपका देखो 9, और ये कितना हो गया 10 20 30 30 और कितना हो गया 40 और 48, 480। अब कितना ज़्यादा है ये आपका 84 ज़्यादा हो गया, लेकिन किससे 396 से। अब आपको थोड़ी सी हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम आ जाए कि आप इसको कैलकुलेट ना कर पाओ तब, लेकिन एक बात देख लो, इसको आपको क्या करना है, इसको एक लगभग मान लेना है 400, तो 400 में 0 0 तो ये कट गई, अब 4 से काटोगे तो 20 बनाएगा, बट यहाँ पर आंसर नियर बाई भी हो सकते हैं। अब क्या करेंगे उसमें, अभी तो है नहीं वैसे आंसर, तो क्या है डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन अगर नियर बाई हुए तो क्या करेंगे। देखो 4 पर आ रहा है कितना 21, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में कम है, तो यानी कि 21 से थोड़ी सी क्या होगी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी तो क्या होगा 21.1, 21.2, यही क्या होगा अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। अब इसके बाद देखो, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी सी डी इन 2014, बी सी डी की 2014 में इन तीनों की बात कर रहा है ठीक है। अब इन तीनों की बात करने बोल रहा है, इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी इन 6 ईयर ठीक है, सी एंड डी के 6 ईयर्स की बात कर रहा है, इन दोनों के टोटल के रेवेन्यू का कितना परसेंट है ये तीनों, तो इन तीनों का टोटल करोगे तो क्या है 927 और 28 280, तो ये आ गया। अब इनका सबका टोटल करोगे देखो, दो कितना हो गया 10 10 और 16, और आपका कितना 24 27 और कितना 30, यानी कि 3 तो ये हो गया ठीक है। अब इसमें 3 यहाँ हो गया तो 30 और 39 और ये 48 48 और कितना हो गया 56 हो गया ठीक है। अब इसके बाद डी को ऐड करोगे, डी को ऐड करवाया ना ओवर 6 ईयर्स, अब इसमें क्या है आपका 2 और 7 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 4 20, यानी कि 2 2 कितना हो गया 30 और 39, 39 के बाद 49 और 49 के बाद ये कितना हो गया आपका 56 ठीक है, सेम आ रहा है, तो दोनों कितना हो गया आपका 112 0, तो ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट है इसका, यानी कि 128 जो है 112 0 का कितना परसेंट है। तो आपको अब क्या करोगे, इसमें डिवाइड करो, 4 7 28, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32 ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब ये कितना है आपका 7 4 28 और 4 से कितनी बार 25 टाइम कट गया, तो कितना आएगा इसका 25 इसका ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई, इसमें कहीं भी एक चीज़ और नहीं बोली थी कि कहीं भी इसने नहीं बोला है कि अप्रोक्सीमेट बताना, तो आप कहीं अप्रोक्सीमेट मान के करने लगो तो थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसने अप्रोक्सीमेट नहीं बोला है, तो आप इसको फॉलो करोगे। जहाँ पर भी इसने अप्रोक्सीमेट नहीं बोला कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ एग्जैक्ट आप निकालोगे वो एग्जैक्ट निकलेगा भी आंसर ठीक है। तो ये चीज़ थी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। वट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाई डीलर ए इन फरवरी अप्रैल एंड मई, फरवरी अप्रैल एंड मई में बात की है इसने ए की ठीक है, तो ए की बात की है इसने इन तीनों की। अब बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर इन डी इन मार्च, और डी के मार्च में, डी का मार्च कितना है 90 है, मई एंड जून यानी कि मई एंड जून ये तीनों का टोटल करवाया, तो 9 3 27 तो इनका टोटल हो गया। अब देखो 9 3 27 नीचे तो टोटल आ गया, यानी कि एक तो आपका ऑप्शन ये बन सकता है, एक आपका ऑप्शन ये बन सकता है, ये तो आपके ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होंगे, समझ में आ गई बात। इन तीनों का टोटल तो क्या हो रहा है 270, और 270 के फैक्टर या तो 9 होगा या 27 होगा, 13 तो कोई फैक्टर नहीं होता, 5 भी हो सकता है, देखो 5 भी हो सकता है, 5 को हमने गलत डिलीट कर दिया, 5 भी हो सकता है ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें,
ये भी होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या है, इनका टोटल करो, 4 8 4 12, 12 8 20 यानी कि 2, और ये कितना यहाँ पे ऊपर लग गया 2, यानी कि 9 3 27 यानी 10 3 30, तो 300 हो गया। अब सिंपल सिंपल देख लो, या देखो 0 से 0 कट गई, 3 से 10 बार, और ये कितना 9 बार, तो 10:9 के क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसका तरीका था, और आप इस तरह से कर सकते थे। लेकिन ये क्वेश्चन में तो सीधा सीधा क्या हो गया था, एलिमिनेट ही हो गए थे तीनों ऑप्शन। वाई व्हाट परसेंट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ए बी डी इन 2012 एंड 2013। ए बी डी का 2012 एंड 2013 में, 2012 में कितना है 98, 2000 देखो 20 में, बी में 2012 में कितना है 74, और ये डी में कितना 74। इसके बाद 2013 की बात कर रहा है तो ये 94, 96 और आपका कितना 102। मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल प्रोडक्ट बी इन 2013 से 2016, 2013 से 2016 के बीच में बी की बात कर रहा है टोटल की, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, इनका कितना जो है किससे कितना परसेंट ज्यादा है ये बोला इसने। मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये कितना ज्यादा पूछ रहा है इसने। अब देखो, अब इनका टोटल करना पड़ेगा, 96 और ये कितना 6 और 2 8 4 12, और 8 20 और 6 26 यानी कि 2। ठीक है, ये 2 हो गए, 8 और 2 10, और 9 19, और 8 17 यानी 27, और 16 यानी 36, 36 के बाद ये कितना हो जाएगा 45, यानी 456 हो गया आपका। 456 तो क्या आ गया, बी का आ गया। अब इसके बाद इन सबको ऐड कर दोगे, 8 4 12 और 4 कितना, 8 4 12 और 4 16 की 1 यानी कि कितना 9 और 10 यानी 17, 17 7 14 यानी 246 तो ये हो गए, और इसको ऐड करोगे तो कितना 190, और 290 292। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, 9 4 13 1, और ये 503। अब कितना ज्यादा है इससे, अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट, इसमें कितना ज्यादा हो गया ये आपका, इसने क्या पूछा था बेसिकली कि ए बी डी में 2012 एंड 2013 मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन 2013 टू 2016, 2013 से 2016 के बीच में। ओके सॉरी सॉरी, क्योंकि देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना नहीं है कि ऑप्शन जो है आ सके, तो हमें क्या है यहाँ पर बोला था इसने, हमने मिस्टेक कर दी, 2016 तक बोला है, तो 86 को इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 86 को सब्ट्रैक्ट करो इससे तो कितना हो गया, 30 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 370 हो गया। अब बोला है अब सही हो जाएगा, 370 जो है वो उससे कितना ज़्यादा, 538। तो देखो कितना हो गया, 8 तो ये आ गया आपका, और 6 और आपका 1, 168 ज़्यादा है 370 से। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है। तो अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, जब आपको ऑप्शन नियर बाई दे रखे हैं, बात समझ में आ रही है, आपको 168 बटा 37 गुणा 100 करना है, और आपको ऑप्शन नियर बाई दे रखे हैं, आप डिवाइड भी नहीं कर सकते इसमें, बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको ये पता लग रहा है कि भाई हाँ कि 4 के नियर बाई या 3 के एंड के नियर बाई इसका आंसर आ सकता है, तो सबसे पहले क्या करो, जो सबसे कम है उसको हटाओ, और जो सबसे ज़्यादा है उसको हटाओ। अब मैं क्या कर लूँ, किसी भी एक चीज़ को ले लेता हूँ, ये मैं 44.5 को ले लेता हूँ, इससे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 44.5 का 37 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो अगर आप 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो 44.5 को, तो क्या आता है सीधा सीधा 3 11 10, और 3 11.5 आएगा। ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई करते हो किससे, तो इनका टोटल आ जाएगा 37 3 3 4 12 एंड 44.5 का 3 से 15 यानी 1.5, तो ये हो जाएगा ऐड, और इसमें 44 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा टोटल, लगभग आएगा 1645 1640 1640.5 समथिंग आएगा। ठीक है, 1735, ओके ये आएगा, तो आपका 1640 आएगा, आप सीधे सीधे गुणा भी कर लेना है इसको। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 1600 16 8 है, यानी कि क्या है आपका, यही तो है, ये 0 से तो 1 0 कट ही गया था, 1680 तो है फाइनली, लेकिन आपका कितना है 1640 आ रहा है किससे, 44.5 से, यानी आपको क्या है बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका 45.4 होगा। 44.5 तो क्या है, इससे ऊपर केवल एक ही ऑप्शन है 45.4, जब इसका मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 37 से करोगे, तो नियर बाई आपका ऑप्शन क्या आएगा आंसर 1680 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये चीज़ थी। तो हाँ यहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाना पड़ता है जब ऐसे कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वट इज द रेश्यो ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014, ओके वट इज द रेश्यो ऑफ द टोटल कंपनी ऑफ द 2014 में क्या था टोटल रेवेन्यू, एंड फ्रॉम द सेल ऑफ द ऑल फोर प्रोडक्ट टू द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 2016,
2014 से लेके 2017, पिछली बार हमने थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, 2014 से लेके 2017 तक की बात कर रहा है किसकी, सी की। तो पहले तो इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 और 3 6 8 6 14, 14 और 6 20, यानी कि 2 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10 और 10 20, और 9 दिन 18, यानी कि 20 और 38 380, तो ये हो गया आपका। सीधे बात समझ में आ गई। अब इसने बोला 2014 में टोटल, 2014 का टोटल कितना है, इनका टोटल कितना है, ये कितना है, 2 और 6 2 8 2 10, तो 0। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका नीचे, अब आपको पता लग गया, देखो 10 तो आना नहीं है, बात समझ में आ गई, 9 भी नहीं आना क्यों, 38 का फैक्टर नहीं होता, 10 क्यों नहीं आना क्यों, ऊपर तो 0 आ ही रही है, 23 भी नहीं आना क्यों, फैक्टर नहीं होता, केवल एक ही ऑप्शन है आपका 18:19। बात समझ में आ गई, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। अब आपकी तसल्ली के लिए कर लो, 6 और 2 8 और 10 1, यानी 9 3 9 36, तो सीधे सीधे आप डिवाइड करके देख लो, ये 18 बार, ये 19 बार। बात समझ में आ गई। आपको अगर 0 का था कि भाई ये ऑप्शन हो सकता था, ये और ये तो पहले ही नहीं होते, 380 देख के ही आप क्या करते, इन दोनों को काट देते, लेकिन ऊपर 0 अगर होगा तभी नीचे 0 कटेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया यहाँ तक, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया थर्ड, वो सॉरी फोर्थ ऑप्शन। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्षों में टाइप ए वाली मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन 6 वर्षों में ए टाइप की, ओके। इसके बाद 2013 और 2016 में हुए सभी प्रकार की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन से कितने परसेंट कम है, ये भी आपको क्या है, एडिशन वाला क्वेश्चन है, और 2013 का एडिशन करना है, 2016 का एडिशन करना है, और इनका परसेंट देखना है कि कितने परसेंट इनसे कम के कम है, ठीक है। तो इनका एडिशन कर लो पहले, 8 और 8 9 17 और 5 22, 22 और 4 26, और 5 क्या 31 3, और ये कितना हो गया आपका, 9 3 12 8 20, और 8 28, और 8 कितना 36, 36 और 8 कितना 45, और 45 और 8 5 13, यानी 53 इसका क्या हो गया, ठीक है। अब इसको करो, ये आपके 9 और 8 16 17 19 और 5 24 2, यानी कितना हो जाएगा, 9 6 36 360, और ये कितना एडिशन, इसके बाद 2016 का तो ये एडिशन हो गया, 2013 का कितना होगा, 8 5 13, 13 और 3 16 और 4 20, 8 5 13 13 और 3 16 और 4 20, यानी कि 0, और 2 बन जाएगा, यानी 10 6 40, तो सीधे सीधा कितना आ गया, 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपका 7 आ गया, ठीक है। और आपको बोला 5 से 31 से क्या है, में हुए सभी प्रकार के कुल उत्पादन से कितने परसेंट कम है, यानी कि आपको क्या बोला है कि 764 से कितना कम है, 531, तो कितना कम है, एक तो आपका 3 और 3 और 200, 233 कम है 764 से, तो आपको क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। अब आप परसेंट निकालोगे, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होगा भाई। मैं एक आपसे यही सलाह दूंगा कि 2 वो से डिवाइड करने की कोशिश मत करना, कहीं 5 से डिवाइड करने बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंटों में दिख रहा है आपको, पॉइंटों में मतलब है इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं है, कोई भी एक सिंपल इंटीजर वैल्यू तो है नहीं इसमें। तो आप क्या करो, सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, 32.8, इसको हटाओ, और सबसे जो छोटा है उसको हटाओ। अब इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, जो मैं ले लेता हूँ, देखो 32.2 ले लेता हूँ। अब मैं 764 को क्या करता हूँ, 32.2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली कर रहे हो तो वैसे कर लो, मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं नॉर्मली वैसे ही करना पड़ेगा इसका जैसे कर रहे हैं अपन, तो लगभग देखो लगभग इसमें आ रहा है 24,600, ठीक है, 24,600। अब आपका ये कितना आ रहा है, 233, बात समझ में आ रही है, ये कितना आ रहा है आपका, 233,000, यानी 23,300, ये क्या 24,600, यानी आपने जो 32.2 लिया है उससे क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है, वो कितना है, 32.8 है, तो यही क्या होगा आपका आंसर है। बात आ गई समझ में, क्लियर है, सॉरी 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 सॉरी, 32.2 पर यह आंसर नहीं होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, 32.2 पर कितना आ रहा है, 24,600, आपको क्या चाहिए, 23,300, यानी कि क्या करना पड़ेगा, जो 32.3 लिया उससे थोड़ा सा कम आना पड़ेगा, 32.3 लिया उससे थोड़ा सा कम आएंगे तो किस पे होगा, 31.6 होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, 31.6 होगा। तो ये इस तरह से सिंपल तरीका था इसका। अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर 6 ईयर। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ए के टोटल का उसमें पूछ रहा है, डी जो एवरेज है उससे
कितना ज़्यादा डी में मिलेगा आपको, यानी कि ऐसे कितने ईयर्स हैं जिनमें जो डी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ए के एवरेज से ज़्यादा है। तो ए का एवरेज निकालने के लिए सबसे अच्छा देखो, ए का एवरेज निकालोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूँ, मुझे 100 दिख रहा है एक नंबर, 100 में कितना माइनस के 2 है, ये कितना है माइनस के 6 है, ये कितना माइनस के 20 है, ये कितना माइनस के 5 है, ये कितना है प्लस के 10 और ये कितना है प्लस के 15। तो देखो ये दोनों तो कट गए आपके, ये कितना माइनस के 8 और ये किसका 6 का, बात समझ में आ रही है। तो 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कितना आएगा माइनस के आएगा, माइनस कितना होगा आपका, माइनस होगा आपका 1.33, यानी माइनस होगा 1.33, यानी कि 98.66 क्या होगा इसका राय जो रियल एवरेज होगा किसका, ए का। अब 98.66 से मोर देन द, यानी कि डी का ऐसे कौन सी ईयर में है जो 98.66 से ज्यादा है। तो एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, दो ही इसके क्या है ऑप्शन है, तो दो क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका है, इस तरह से कर सकते हो आप, बजाय सबका टोटल करने के फिर उसके डिवाइड करने का। 2014 से 2018 तक हुई सभी टाइप की मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, 2014 से 2018 तक की बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि सभी टाइप के मोटरसाइकिल कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यानी कि टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, 2014 का क्या करना पड़ेगा टोटल करना पड़ेगा, 2018 का क्या करना पड़ेगा इनका भी टोटल करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो इनका टोटल करोगे 17, 11 और 9, 20, यानी कि 2 और यानी कितना हो गया, ये आपका 10, 10, 20, 8 और 16, यानी कितना हो गया आपका 36, और ये कितना हो गया आपका 0, 8 और 10, 1, यानी कि 2 और 2, 4, ठीक है 9 और 9, 18, 18 यानी 22, 2 और ये कितना 420। तो 360 से 420 जाने में कितना लगा आपको, सिंपल सिंपल इतना लगा। अब नीचे क्या आ रहा है, 360 की फिगर आ रही है, यानी नीचे किसकी आ रही है फिगर, 1/6 आपने पढ़ा है 16.66% होता है, तो आपको सॉल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो 2016 और 2018 में बनाई गई टाइप बी वाली मोटरसाइकिल की कुल संख्या का अनुपात, 2016 और 2018, 2016 और 2018 में बी टाइप की कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुल संख्या का अनुपात 2013, 2015 और 2016 में उत्पादित डी 2013, 2016 एंड 2015, ठीक है ये 3 ईयर्स की बात की, इनमें अनुपात बताना है कि कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो इनको क्या करो, एडिशन करोगे इनका सिंपल, तो 8 और 9, 16, 17 और 1, 18, 180 तो ऊपर आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा आपका नीचे, देखो 5 और 2, 7 और 3, 10, 1, यानी कि 10, 3, 30, ठीक है यानी कि कितना होगा इसका, 3, 6, 18, आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, 10 और 20 और 1 तो आपका 30, 5 और 2, 7 और 3, 10, अब कितना होगा 9 बटा कितना होगा 2 9 18 और 2 से कितना, ये 15 बार, 3 3 9, 3 5 15, यानी 3/5 क्या हो गया इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिल का उत्पादन, 2017 में हुए सभी टाइप की मोटरसाइकिल के कुल उत्पादन से 25% अधिक है। 2017 में सभी टाइप की मोटरसाइकिल का 25% पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 104 है, ये आपका 96 से कितना हो गया 200 हो गया, ये 300 हो गया, 380 तो ये हो गया, 380 का 25% निकालना है। 25 का मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड करो, उससे बड़े 4 का डिवाइड कर दो, कितना है 380 है, 380 में 190 हो गया, 190 का कितना हो गया 95, तो 95 का आ गया आपका 25% आ गया। अब इसने क्या है, इसने बोला है कि 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिल का जो उत्पादन है वो इससे 95 से अधिक है, 2015 के दौरान 95 से अधिक है, नहीं 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 और आपका क्या ए के ऑप्शन है किसका डी है। ठीक है, तो डी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, बस समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वो इसमें क्वेश्चन, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स टी इन 2010, और वैसे भी एक और चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट कि आपको ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या है आंसर वही होगा जो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको सोचने वोचने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए इसमें, थोड़ा जैसे हमने किया है तो आप एक अनुमान ये भी लगा सकते हो कि भाई सबसे ज़्यादा पूछ रहा, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते इसमें, एक ही ऑप्शन होगा, सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी इन 2010, 12 एंड 14, टी का 2010 में, 2012 में एंड 2014 में, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द फोर आइटम्स इन 2011 एंड 2012।
2011 एंड 2012 में सभी फोर आइटम्स के टोटल का कितना परसेंट है? तो आपको भाई ये सीधा सीधा जोड़ घटाना सिखा रहा है, बस आपको कुछ नहीं कर रहा है। आपको पता है परसेंटेज भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। 2011 2012 का टोटल करो तो ये कितना होगा, 2004 6 और 4 10, ठीक है? तो 2 और 4 6 और 4 10 और 0 9, 9 4 13 और 3 16 और 5 21, ओके। और 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, 910 तो सीधा सीधा ही हो गया। 2012 का कितना होगा, 7 और 8 15 और 5 20, ओके। 2 और 4 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 1 यानी कि 3, ओके। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ये कितना हो गया, अब इनका टोटल कितना हो गया, 0 5 8 और 16 17। कभी कभी देखो एक यही एक टाइप के क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इसमें टाइम कम नहीं कर सकते, बस हाँ एवरेज एवरेज निकालने में थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब इन सबका टोटल करो, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 2 और 2 और 1 3, 3 और 4 7 7 और 2 2 3 6 और 1 7 770। अब ये कह रहा है कि कितना परसेंट है, तो आपको 770 जो है वो किससे डिवाइड करना है, 1750 से डिवाइड करना है और आपको इनटू क्या करना है, 100 करना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या है, सिंपल सिंपल ये डिवाइड करने के लिए इसने बोला हुआ है। अब देखो 25 दिया 75, यानी कि ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 11 बार चला गया और ये 44, इसका क्या होगा, सीधा सीधा ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग। वीडियो को पॉज करो, एवरेज निकालने के लिए ट्राई करो, ठीक है? ओप्सो आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी, देखा भी होगा और देखो कि एवरेज निकाल सकते हो कि नहीं। और विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो इस एवरेज को निकालने के लिए। बी में हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं। अब इसमें 100 मत मानना, आपको पता लग रहा है कि 100 सभी ज्यादा है, नेगेटिव तो कोई होगा नहीं। तो मैं क्या मान लेता हूँ, एक ऐसा नंबर मान लेता हूँ जो 138 से लगभग ऊपर हो और 160 के आसपास हो, यानी कि मैं ऐसा कर लेता हूँ इसको 150 ही 150 160 मान लेता हूँ, ठीक है? 160 मैं मान लेता हूँ। 160 से कितना कम है, ये आपका 32 कम है, ये आपका कितना है कम, 26 कम है, और ये कितना कम है आपका, 38 कितना कम है आपका, माइनस के 22, और ये कितना है आपका, प्लस के 9, ये कितना है आपका, प्लस के 22, सॉरी प्लस के 22 ही होगा ना, हाँ। इसके बाद कितना है आपका, 49 प्लस के, तो प्लस के 22 है और ये आपका कितना है, माइनस के 22 है, ये दोनों तो क्या हट गए आपके, 9 और 18 58 हो गए, ठीक है? और ये कितना हो गया, प्लस के 58, और ये कितना हो गया, माइनस के 58, यानी कि जो आने आपने एवरेज माना है वो क्या सही है, लक बाई चांस हमने 160 माना था, समझ सोचना कि पहले निकाल के रखा था। तो ये क्या है, लक बाई चांस क्या आ गए, दोनों जीरो आ गए, तो जीरो बटा क्या करेंगे, 0/6 करो, जीरो ही होना है, प्लस के ऐड करो या माइनस के ऐड करो, कुछ भी करो 160 ही रहना है। तो एवरेज कितना आ गया, 160 आ गया। अब इसका 1.4 टाइम्स निकाल लो, 1.4 टाइम्स कितना हो गया, देखो ये तो जीरो कट गई, और मिडिल स्क्वायर मैंने डिफरेंस स्क्वायर के तरीके से करोगे तो कितना आ गया, 224 आ गया, ठीक है? अब इसने बोला है कि इन विच ईयर, किस ईयर में एक्सपोर्ट जो है डी का वो इसका 4 टाइम्स है, 224 किस में है, 224 किस में है, इसमें, और ये कौन सा ईयर है, 2013, ठीक है? ऐसा था इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको जबरदस्ती कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 से 2014 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द फोर आइटम्स इन 2015। 2015 के सभी आइटम के पहले हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। अब देखो 9 और 6 15 और ये कितना हो गया, 90, तो 90 तो सीधा सीधा ये हो गया। इसका 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11, 1190 ये हो गया, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके बाद इसने 2012 से 2014 में एक ही बात करी है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में इसने परसेंट परसेंट क्या पूछा है। 2012 से लेके 2014 तक की बात करी, यहाँ तक की इसने बात करी है, वो किसकी, एक ही बात करी है। ये कितना हो गया, 25 और 25 50, 7 5 12, तो 5 और 5 10 0, और ये कितना आपका 3, 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है? 1 यानी कितना, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 यानी कि 1020। इसने बोला है व्हाट परसेंट लेस देन द, यानी 1190 से कितना कम है, 1190 से कम है 170, किससे 90 हुआ, 1190 से इंटू आपका क्या, 100। अब यहाँ पर सेम वही बात है, आपको डिवाइड डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या है 190 है, मैं इसका क्या मान लेता हूँ, 120 मान लेता हूँ। बात समझ में आ गई? और 120 में किसका डिवाइड कर, 170 में किसका डिवाइड कर लेता हूँ, 120 का डिवाइड कर लेता, 12 का डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्या हो गया ये, 12 एकम 12, सबसे पहले देखो जो छोटा है वो हटा दो और जो सबसे बड़ा है वो हटा दो। अब हम देखेंगे 12 एकम 12 और कितने बच गए आपके, 5, 12 चौक 48, यानी 2 बज के 12 एकम 12 यानी 14.1 आ गया।
लेकिन क्या 14.1 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि एग्जिट तो 14.1 है नहीं। आपने क्या लिया यहाँ पर, डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, तो आपको क्या पढ़ना, ये आपका 14.1 आया है, अब आप डिनोमिनेटर को घटाओगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी 14.1 से क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, 14.3 होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब देखो, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाई कंपनी सी इन 2018, ठीक है, कंपनी सी का 2018 में 76 है। द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी ए, ठीक है, इनका एवरेज फिर से निकालना है, ड्यूरिंग 2014 से लेकर 2018, एक बहुत अच्छी बात बोली इसने, इनका इनका निकालना है ओनली। ठीक है, तो इसमें ये एवरेज निकालना है, और ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 को कंसिडर करना है। अब इससे पूछा है कि कितना ज़्यादा है, ठीक है, अब देखो इसमें इसका एवरेज निकालोगे कितना है, देखो इसमें फिर से मान लो क्या, आप एक नंबर मान लो, लगभग मान लो 60 मान लो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 60, ये कितना हो जाएगा माइनस के 8, अगला कितना हो जाएगा प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा प्लस के 12, ये कितना हो जाएगा माइनस के 8, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, ये माइनस के 8 और 8 और 16 यानी माइनस के 16 हो गए, ठीक है, 12 और 3 15 और 1 16 यानी प्लस के 16 हो गए, ये भी देखो बाई चांस आया, लग बाई चांस 60 लग बाई चांस आया, दोनों कट के क्या हो गए, 0 हो गए, तो इसका एवरेज क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब ये बोला सी का 2018 में, तो ये कितना है आपका 76, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों क्या वैल्यू 1000 में, तो वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 16000, ये क्या 76000 और ये क्या 60000। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी बी ड्यूरिंग 2015 17 18, कंपनी बी का 2017 और 2015 और 2018, इन सभी में किसका, बी का, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय द कंपनी सी इन 2013, ओके, 2015 एंड 2017 एंड 2018। अनावश्यक कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ आपको करना नहीं है, और आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा भाई, बिना निकाले एडिशन किए कोई भी रामबाण नहीं है इस चीज़ का, बाकी सबके रामबाण है, लेकिन एडिशन का कोई रामबाण नहीं कि बिना एडिशन किए आप डीआई को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें 5 और 6 11, 11 और 3 जो है कितना है 14, 14 और 6 20 यानी कि 2, ये कितना हो गया 2, ओके, 9 9 और 6 15, 15 और 6 कितने 21, 21 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 21 और 6 हो जाएंगे आपके 27। अब ये तो सी की बात आ गई, अब यहाँ पर बी का कर लो, बी का कितना हो जाएगा, देखो 7 और 3 10, 6 और 6 12, 120 180 180, ये बोल रहा है कि कितना कम है 270 से, कितना कम है भाई 90 कम है, और 270 से 9 3 27 सबको आता है 33, सही बन भाई 3%। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2014 एंड 2015, 2014 और 2015 में ए का, 2014 एंड 2015 में किसका, ए का कितना हो गया 825 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी इन 2011 एंड 2015, सी का 2011 एंड 2015 में कितना हो गया, ये आपका 3 और 2 5 और यानी कि 550 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 825 हो गया था, तो इनका क्या पूछा, रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल दो भाई, 25 से 25 कितनी बार जाएगा, 25 थी 75, ठीक है, 5 और 2 7 25 थी, ठीक है, उसके बाद गुणा 25, देखो यहाँ पर सिंपल सिंपल करने का बहुत अच्छा तरीका मिल गया, 11 3 33 11 5 55 यानी 50 25 2 9 50, तो 3 अनुपात 2 क्या हो गया इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाई कंपनीज ए बी डी इन 2017, ए बी डी इन 2017, ए बी एंड डी, ओके, अब इन सबका टोटल करो, 5 और 2 3 और 2 5 और 5 10 1 यानी कि 8, और 5 और 10 18। इसके बाद बोला है कि टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड और फोर कंपनीज इन 2018 में, जो सभी का टोटल है इनसे रेशियो क्या होगा, 4 और 6 10, 10 और 10 20 यानी कि 2, तो 2 और 10 सच्चों 28 हो गए, 2 देखो मैं इंडिविजुअल किया, यहाँ और यहाँ डिवाइड कर दिए, तो ये 7 7 हो गए, तो सच्चों 28 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो ये तो 9 हो गया और ये आपका 14 हो गया मेरे अकॉर्डिंग, तो 9 रेशियो 14 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम अटक रहे हों, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, अनावश्यक कैलकुलेशन, हम नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम में मेरा भी, जब मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स ऑलरेडी हैं, स्टैटिक जीके भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको आंसर देखिए, और वो बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर में आपको मैं बता रहा हूँ, अपने नोट्स को ही पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, देखो अगर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ मिल सकती है, देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता, या फिर देखो बहुत ज़्यादा ही इसमें पैसे लगते हैं, और इसमें
समझ रहे हो आप, कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टाइपिंग वगैरह करना टाइम कंज्यूम होता है काफ़ी सारा, और वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट एक ही तरीका है जिसमें आपको फ्रीली प्रोवाइड किया जा सकता है, वो है वीडियो फॉर्म। तो आप उसको देख लीजिए, उससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज होंगे। मेरे ऑलरेडी 42.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं आपको एसएससी में आए। और जो बैंक में हाईएस्ट आए मेरे वो 32 हैं, और जिनमें से देखो 35-36 भी आ सकते थे, बट कुछ माई मिस्टेक्स। और ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी में नहीं करा सकता, बट लेकिन हाँ आपको एक शॉर्ट मैरन में मैं बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। तो स्टैटिक जीके करो, डीआई करो, और मैं अपने बहुत अच्छे मेरी मेथड्स हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, तो उनको एक बार देखोगे ना तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। पेपर से जस्ट पहले भी देख लोगे ना तो भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी ए इन 2017, 2017 में कंपनी ए का कितना है 52, सी इन 2013, लो भाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई ऑल फोर कंपनीज इन 2013 एंड 2016, अनावश्यक कैलकुलेशन। 2013 एंड 2016 के टोटल का परसेंट पूछा है इसने। लो भाई 6 और 5 11 है, 117 तो ये हो गया, ठीक है ऊपर वाला। अब इसमें क्या हो गया, ये 7 और 5 12 और 3 15, 15 और 5 20 यानी कि 0 2। अब 2 को यहाँ जोड़ दूंगा मैं 4 में, तो 6 हो जाए, 6 6 24 हो गया 240, तो सीधा सीधा ही हो गया। अब इसके बाद 2016 को और जोड़ना है मुझे, 2016 को जोड़ूंगा तो 7 और 8 8 3 11 है, 11 8 और 3 11 और 2 कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 13 यानी कि 7 7 दूनी 14 21, और 5 कितना हो गया 26 हो गया, तो ये कितना हो गया 503 हो गया। अब 503 का मुझे 117 पे परसेंट निकालना है। अब यहाँ देखो आपके वैल्यू क्या है, नियर बाई है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा वाला हटाओ, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है आपका 225.6, सबसे कम वाला हटाओ 23.3। तो 117 में क्या करोगे आप, 503 का डिवाइड करके इन टू 100 करना है। मैं अगर 500 का डिवाइड कर देता हूँ, 0 0 से कट जाएंगी, तो 5 दूनी 10, 5 3 15 पॉइंट 5 20, बात समझ में आ गई। तो 23.4 है, बट 23.4 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक है बात समझ आ रही है। आपका 503 है, आपने वैल्यू क्या ज्यादा, आपने वैल्यू क्या कम ली है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपका ज्यादा है, तो यानी आप जब जैसे ही डिनोमिनेटर को 503 तक ले जाओगे 500 से, तो क्या आएगा आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ 23.4 से हल्की सी कम वैल्यू कौन सी है, 23.4 से आपकी 23.3 है, बात समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा अगर आपका क्या होता, आपका ज्यादा आता, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आती यहाँ पर कटने के बाद, आप समझ गए ना ये चीज क्या है, ये 23.3 किस तरह से आया है, ये इसको जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 23.4 आया, लेकिन 5 से डिवाइड किया जब मैं अगर 503 तक ले जाऊंगा इसको, डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी यानी 23.4 से हल्की सी कम वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगा 23.3 हो जाएगा। अनावश्यक कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। हाउ मैनी एम्प्लॉयज गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव्ड बाई ऑल द एम्प्लॉयज, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एरियर जो है उनको ज़्यादा मिला है द एवरेज एरियर से, ठीक है एवरेज एरियर निकालो भाई। पहले इनका 15 45, ओके ये कितना 85, 15 45 2 90, 9 4 13, और ये कितना 18,000, 18,500, तो कितना हो गया 18,500 हो गया। इनका एवरेज निकालो 5 से 5 15, 5 7 35, ये कितना आ गया 3700 रुपये इनका एवरेज आ गया। अभी बोला कितने एम्प्लॉयज हैं सब एवरेज से ज़्यादा मिला है उनको एरियर, 3700 रुपये से ज़्यादा मिला है एक दो और आपके तीन लोगों को। इसके बाद देखो हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए वे हाइट ऑफ 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150 सेंटीमीटर, 150 से कम लेकिन 135 और उससे अधिक। अब 135 और उससे अधिक क्या है, इसमें 20 हैं, लेकिन भाई इसमें क्या है, इसमें एक चीज और है, नहीं, इसमें क्या है देखो, 135 और 140 से हाइट वाले कितने 20 लोग हैं, 140 से 145 वाले कितने 29 हैं, 145 इसने बोला है कि 145 से 50 तक हमें चाहिए, तो 150 तक कितने 15 हैं, तो इन सबको एडिशन कर दो, 9 और 5 14, केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी आपको सॉल्व करने क्या नहीं है जरूरत नहीं है, ठीक है 64 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हाउ मेनी फैमिलीज हैव ए मंथली सैलरी लेस देन 40,000 से कम सैलरी कितने लोगों की है। अब देखो यहाँ पर क्या स्लॉट बनाते हुए हैं, तो कहीं ऐसा मत करना 19 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसने स्लॉट बनाए हुए हैं, इसने ये नहीं बोला कि 45,000 से कम का स्लॉट है, इसने बोला है 40 से 45,000 का स्लॉट है, तो इसने बोला है कि मंथली सैलरी लेस देन द 40,000, तो लेस देन 40,000 किसकी, एक तो 9 है, एक 12 है, एक 6 है, तो 9 6 15 और 12 कितने हो गए 27 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस, ओके फैकल्टी देखो ये क्या है साइंस में
कितने साइंस में बच्चे कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट निकाल रहे हैं जो कि किसमें पढ़ रहे हैं, साइंस में पढ़ रहे हैं। अब देखो साइंस में कितने पढ़ रहे हैं भाई, 8 और 2 10, और ये कितना हो गया आपके 50। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप डीआई कर रहे हो तो डीआई हमेशा एंड में करो, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, जैसे ये डीआई का एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आएगा और एक क्वेश्चन अब आ रहा है, तो हम जब टोटल कर लेते हैं, हमने वहाँ पर टोटल टोटल किया था, अब दोबारा यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, तो अगर आप एंड में कर रहे हो तो वहाँ सब चीज़ें क्या है एक साथ रहती हैं, तो ये थोड़ा सा फायदा रहता है डीआई को करने का। अब इसको टोटल करो, यहाँ 3 और ये कितना हो गया 13 3 39, यानी कि कितना हो गया आपका 3, और ये आपका 4, और ये कितना हो गया 4 4 8, यानी कि 84, ये कितना हो गया 8 5 13 1, यानी कि 4 3 7, और ये कितना हो गया 8 और 2 10, यानी कि 50। अब इन सबका एडिशन करोगे, 3 और 4 7 और 3 10 1, यानी 5 8 5 13, 13 और 7 20, और 20 और 5 25, यानी 250, यानी 2500 250 में 50 लोगों का परसेंट पूछ रहा है वो सीधा सीधा। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो गए इसमें, कुछ नहीं आता हमको, तो ये चीज़ नहीं आती कि 5 आएगा 5 से 20 बार डिवाइड हो जाए तो इनका परसेंट क्या आ गया, 20% आ गया, और बाकी ये सब तो और ज़्यादा दे रखा था, 50 ही तो निकालना है इनका, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा। वैसे भी मैं यहाँ पे कर सकते थे, देखो इनका आपको टोटल दिख रहा होगा, बाकी सबसे क्या है ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बाकी सबके टोटल का क्या आधा है, आधा तो है नहीं, तो आपका क्या जस्ट 30 या 35% के आसपास होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन है इनसे कम वाला, वो कितना है 20%, एक ही ऑप्शन था, बाकी सब में क्या था, ठीक है बाकी सब में क्या था, ज़्यादा ही था ना, इसमें कुछ और तो नहीं पूछा था। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस, ठीक है आई थिंक ये चीज़ सही है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखते हैं, एक सेकेंड, इसमें अदर देन द साइंसेज, ओके ओके देखो सॉरी, इसमें पढ़ने में मिस्टेक हुई है हमसे, कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस के अलावा जो पढ़ रहे हैं वो कितना परसेंटेज, ने ये पूछा है एक्चुअली, तो साइंस में कितना पढ़ रहे थे 20 पढ़ रहे, तो आई थिंक इसका आंसर जो है 80% होना चाहिए, हमने इंग्लिश में पढ़ने में मिस्टेक कर दी, तो अदर देन यानी साइंस के अलावा जो बच्चे हैं वो कितना परसेंट है, वो है आपके 80%, क्योंकि देखो 50 तो ये कितना है आपके 20% है, तो रिमेनिंग कितने होंगे 80% हो गए जो अदर फैकल्टीज में पढ़ रहे हैं। बात समझ आ गई, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट, ओके इसका वीट का एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है एवरेज प्रोडक्शन निकालना और कुछ करना नहीं है इसमें, तो क्या करो इसको सीधे सीधे एडिशन कर लो चाहो तो, 8 और 2 10 0 1, यानी कितना 2 8 और 2 10, यानी कि 0, देन अगेन 1 एंड 4 9 9 4 13, 13 2 15, 15 और 5 20, और 2 और 3 5 और 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18, तो 18 में किसका डिवाइड होना है 5 का होना है, तो 5 3 15, आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं की है हमने, तो बाकी सब सही रहा होगा, 5 3 15 5 4 30, तो कितना हो गया 3600 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसने बोला है कि हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ सुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर, इसने बोला है कि हाईएस्ट ग्रोथ सुगर केन में किस ईयर थी प्रीवियस ईयर से, सुगर केन ईयर आपका, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है आपकी 120 की ग्रोथ हुई है। अब ये परसेंट पे देखेंगे हम ग्रोथ, हम केन पर नहीं देखेंगे, शुगर केन पर नहीं देखेंगे, देखो इसका आंसर 2015 तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग 2015 से हुई है, तो 2016 17 18 19 में से एक आंसर होगा। अब 120 बढ़े हैं 1000 पे, दूसरे में कितने बढ़े हैं आपके, यहाँ से कितने बढ़े हैं आपके 130 बढ़े हैं, किस पर 1120 पर, इसके बाद कितने बढ़े हैं यहाँ पर, देखो ये बढ़े हैं आपके 75 लोग, 75 बढ़े हैं वो किस पर 1250 पर, इसके बाद कितना इंक्रीज हुआ है आपका 125 का इंक्रीज हुआ है, किस पर 1325 पर। अब आपको ये निकालना सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, तो एक बात देखो इसमें कि यहाँ देखो 1000 है और ये आपका 1250 है, तो 1000 पे 120 हो गया, 1250 75, तो ये तो कट जाएगा, बात समझ आ गई। अब देखो 1000 पे आपका कितना है 120 है, यानी कि आपका लगभग 300 पे कितना है, यानी कि 3 का डिवाइड करूंगा तो 333 पर कितना होगा 40 होगा, यानी कि ये क्या है 1325, यानी कि अगर मैं 1333 लिखूंगा तो 1333 पे कितना आना चाहिए 160 आना चाहिए ना, ठीक है बात समझ में आ गई। 1000 पर है आपका 120, यानी कि 333 पर 40, यानी कि 1333 पर कितना 160, तो यहाँ कितना है 1325 पे 125, ये क्या है कम है, हमको तो क्या चाहिए ज़्यादा चाहिए, जिसका परसेंट सबसे ज़्यादा हुआ। अब ये और ये दोनों बच गए, अब इन दोनों में लड़ाई होने वाली है। अब एक बात देखो कि आपका कितना है 100 पर कितना है 12, 0 0 कट गई, 100 पर कितना है 12, और यहाँ पर कितना है 100 पे 12 है, और यहाँ पर कितना है आपका 100 में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 120, यानी कि
ये कितना हो जाएगा, 132 किस पे, 1100 पे। अब 1100 पे ही 132 आ गया, 20 बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा बढ़ चला आएगा, ये क्या है, ये तो 130 ही रह गया किस पर, 1120 पर। बात समझ में आ रही है? अब ये 1100 पर ही कितना है, 132 है, और ये 1120 पर कितना है, 130 है, तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका। बात समझ में आ रही है ये कैसे हुआ है, 1100 पर है 132, 1120 लूंगा तो 132 से भी तो क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ेगा ना, अगर मैं यहाँ 1120 और लूंगा तो 132 को भी उसी रेशियो में मुझे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तो 130 ही रह गया, तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो है वो जीत गया। अब ये किसका है, इसका, यानी 2016 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, इस तरह से चीजों को करना है और तभी ये चीजें जल्दी सॉल्व होंगी आपसे। हाउ मेनी एम्प्लॉयज गॉट मोर देन ए टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी। ठीक है, हाउ मेनी, ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका जो है 10,000 एज इनकम, टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी, 10,000 मतलब उनकी सैलरी से अलावा जो 10,000, उनको 10,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो कितने हैं, हमने ये किया था 14 निकाला था, ये 14 है, ये कितना है आपका 10.5, ठीक है, ये कितना है आपका 10, और ये कितना है आपका 9, और ये कितना है आपका 6.7। अभी बोला 10,000 से ज़्यादा है, टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन द सैलरी। देखो इनकम एज इनकम अदर देन द सैलरी, इसने बोला है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो गॉट मोर देन ए टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन द सैलरी के अलावा 10,000 से अधिक पा रहे हैं। ठीक है, 10,000 से अधिक कितने लोग पा रहे हैं, केवल 2 ही लोग पा रहे हैं, ये इसका तरीका हो गया। ठीक है, अब हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 1100 रुपये इन अ डे, 1100 रुपये से कम प्राप्त करने वाले। यहाँ देखो स्लॉट दे रखा है, तो स्लॉट दे रखा है तो कहीं 4 में से 10 घटाने मत लग जाना, बात समझ में आ रही है, स्लॉट दे रखा है। इसने बोला होता कि 1200 से कम के लिए है ये, और ये सिर्फ 1100 से कम के लिए, तो वहाँ क्या वो क्या होती, फिर इसमें कंबाइंड होता, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने, 1100 रुपये अर्न लेस देन, 1100 रुपये से कम कमा रहे हैं, तो 1100 रुपये से ऊपर वाले ये हैं। अब 1100 से कम वाले कितने हैं, 10, और 10 20 और 30, और ये आपके कितने 39। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपका तरीका हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस के इन दोनों के एवरेज प्रोडक्शन की बात कर रहा है, लेकिन एक बात है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि इन सब के ईयर्स क्या सेम है, 5 ईयर जैसे बार्ले के लिए हैं, 5 ही किसके लिए हैं आपके, एवरेज ऑफ राइस, राइस के लिए है। तो हमें क्या है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस निकालने के बाद एवरेज निकाल लें तो बात वही पड़ेगी। देखो यहाँ से कितना एवरेज निकालें, ये कितना हो गया आपका, एक साइड ले लो, मैं इधर की साइड को प्लस में रखता हूँ, तो ये कितना, अगर इधर साइड ज़्यादा ही तो मैं प्लस में रखूँगा, प्लस प्लस के 75, ये कितना हो गया, ये कट के 0 हो गया, ये कट के कितना हो गया आपका 15 और 10 25, यानी प्लस के 25, ये कटने के बाद कितना हो गया आपका प्लस के 100, और ये कटने के बाद कितना हो गया प्लस के 240। इन सबको क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा। अब इन सबको ऐड करने के बाद 5 का डिवाइड करूँ या 5 इन सबको अलग अलग 5 से डिवाइड करूँ, तो बात क्या पड़ेगी, सेम पड़ेगी, 15 5 20 और 5 और 20 18 40, तो सबको ऐड कर दो, 20 और 20 40, और ये कितना हो गया आपका 88। बात समझ में आ रही है, ये कितना हो गया आपका 88। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने और कुछ बोला है क्या, बार्डे एंड, ओ सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दी ना जल्दी जल्दी में, वो ये मिस्टेक कर दी कि हमने राइज एंड मेज का ले लिया, ठीक है, और बहुत जल्दी भी आ गया। यहाँ पर क्या बोला इसने, बार्ले एंड राइस का बोला है, यानी कि ये और आपका ये, यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जैसे हमने अभी कर दी। अब देखो ये 415 है, ये आपका 975 है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 60, और ये कितना होगा 560, इसके बाद 520 से 825 जा रहा है, तो ये तो आपका 0.5, और ये आपका कितना हो गया 300 हो गया, यानी कि अगर बाढ़ने की चीज़ ज़्यादा हुई तो हम प्लस में लिखेंगे। अब ये कितना है आपका 15, और ये कितना 115। अभी इसके बाद कितना है, ये 0 हो गया, ये 625 से 625, ये कितना हो गया 175 और ऐड हो गया। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया ये आपका 5 और 5 10 15 5, ओके 1, यानी कि 7 7 और 7 14 एंड 15 1, तो 2 और 3 3 3 6 एंड 5 कितना हो गया 11 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 से 31 क्या आ गया इसका एवरेज का डिफरेंस आ गया। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द 2015, 2019 में जो किसका मेज का, 2019 में ये रहा, 2015 में किसका ये रहा, अब
अब ये बोल रहा परसेंटेज ग्रोथ कितनी है, इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनमें क्या है, कैलकुलेशन होती नहीं है लेकिन दिखती है। तो 14 में से ये गए तो कितने बचेंगे, 50, और 7 में से 4 गए तो बचेंगे कितने, 2, तो बचेंगे 350 हो गया। अब आपको क्या बताना है, ग्रोथ बतानी है, तो 490 से बतानी है, 490, 350, जो 350 है वो 490 का कितना परसेंट है, तो करो भाई। अब देखो सबसे पहले क्या करूँगा, जो सबसे ज़्यादा वाला है वो हटा दो, सबसे कम वाला है वो हटा दो। अब मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, 65 ले लेता हूँ। मैं 65 को क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 65 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई, 0 सीधे से 7 × 35 3, और ये 7 × 46 और 3 × 45, एक बार 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 35 3, 7 × 35 और 3 × 38, 7 × 28 और 3 × 31, यानी कितना, 31,850। कब, जब मैंने वैल्यू ली है क्या, 65 वैल्यू ली है। अब यहाँ पर क्या है, 31,50, अब इंटू 100 भी तो होना है परसेंट के लिए। यहाँ पर वैल्यू क्या चाहिए, 35,000, यानी बहुत ज़्यादा चाहिए। 65 से क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। अब एक प्रॉबिलिटी हो सकती है इसका आंसर 71 हो या 77 हो, 70, एक हम 70 को लेके चलते हैं। 70 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना आता है, 343 आता है, याद है 7 का जब क्यूब होता है वो कितना, 343 आता है। ये 343 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो ये कितना, 71 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71.43 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो कैसे किया है। देखो जब मैंने इसका 65 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैंने 65 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, मेरा 31 समथिंग आया, 31,000 समथिंग। ये कितनी वैल्यू है, ये आपकी 35,000, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या आंसर 71, अब हो सकता है देखो 77 भी हो आंसर, तो हम क्या 70 से मल्टीप्लाई करके निकले, 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या है, ये 7 का क्यूब बन जाएगा जो कितना होता है, 343 होता है, 00 और आएगी 343, यानी 34,300, ये क्या 35,000, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है, 71.43। अब देखो ये द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द, ठीक है, टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। अब ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालो भाई, टोटल नंबर निकालो बॉयज की, टोटल गर्ल्स की निकालो, उन दोनों का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चलो कर लेते हैं, बॉयज का क्या निकाल देते हैं, 18, और ये कितना, 7 × 7 = 14, 15, 15 और 5 = 1, यानी 2 और 4 = 6, 6 और 4 = 10, और 3 = 13, यानी 135 आ गया। अब वही सेम कैसे है आपका, कि देखो 5 × 15 है, ठीक है, मैं अगर इसमें 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 15 1, 5 × 10 = 11, ठीक है। तो यानी कि इसमें ऐसा कहीं भी कोई नंबर नहीं है जो 23 बना है, 23 का फैक्टोरियल तो बन नहीं सकता, ये कितने, किसका फैक्टर है, 5 × 10 = 5, 7 × 35 27 और 5 का। तो यहाँ तो ना तो ये आएगा ना ये आपका ये आएगा। अब ऑप्शन हो सकता है ये हो या ऑप्शन हो सकता है आपका ये हो, ठीक है, दोनों आपके का हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि इनका टोटल क्या है। देखो 5 35 है, और ये कितना आपका 25, कितना हो गया 60, 60, एंड ये कितना हो गया 105, एंड ये कितना हो गया आपके 10 जोड़ने पे 1115। तो ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ऑप्शन को इस तरह से एलिमिनेट करते हैं। अब देखो इसमें द परसेंट ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 से 2019, 2016 से 2019 दो ही ईयर दे रखे हैं, और डी की बात कर रहा है कि कमोडिटी इंक्रीज हुई है, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज हुई है भाई 75 से 85, यानी 10 रुपये इंक्रीज हुई है 75 से। ये बोल रहा है इंक्रीज कितना परसेंट में पर किलोग्राम इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 10 रुपये इंक्रीज हुआ है 75। पहले रेट कितनी थी, 75 थी, अब रेट कितनी है, 85 है। तो ये कितना हो गया, मैं सीधा सीधा देखो सॉल्व करा रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन में इसमें पढ़ने लायक तो कुछ होता नहीं है, जैसे मैं पेपर में सॉल्व करता हूँ वैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आपको तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है, कितना सिंपल मेथड है, वो चीज़ आप देख लेना, ये बहुत अच्छा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई अननेसेसरी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। आपको ये चीज़ें करने के बाद DI बहुत सिंपल लगेगी, सबसे पहले आप DI अटेम्प्ट करने बैठोगे। अब देखो ये क्या है, 25 थी 75, 25 × 100, 40 का 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 × 3 = 39 होगा, ठीक है, 13.33%। द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द 5 कमोडिटीज बाई द फैमिलीज इन द ईयर 2019, टोटल अमाउंट पूछा है इसने, तो आपको 80 रुपीज पर किलोग्राम है, 15 किलोग्राम खरीदा है उन्होंने, 15 × 120 ये हो गया, ओके। इसके बाद 6 × 2 = 12, वापस से 4 × 12 = 48, 480, और 85 का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0, और 85 × 2 = 170, तो 170 के बाद 70 × 34 तो कितना होगा, 3,400, यानी कि ये
इसके बाद 8 दूनी 16, 1 और 2 7 56 और 57, ठीक है। अब इनको क्या टोटल करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। एक ही ऑप्शन में है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। टू द अमाउंट स्पेंट एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कम्पेयर टू दैट इन द ईयर 2016 इज, यानी 2019 में उन्होंने जो अमाउंट स्पेंड किया है वो 2016 के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा किया है, कितना एक्स्ट्रा किया है, उन्होंने ये पूछा है। 2019 में बी और सी का कितना है, देखो बी और सी में कितना किया है, 6 दुनी 12 1200, और सी में कितना किया है, उन्होंने 1248, यानी कि 1680 रुपये उन्होंने खर्च किए थे। बट देखो यहाँ पर उन्होंने इसमें 50 रुपये पर केजी है, और अब आप इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा क्या लेंथी बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अब इसने एक्स्ट्रा अमाउंट पूछा है, तो देखो एक्स्ट्रा जो रुपए पे किए हैं उतने किलोग्राम पर, वही आप क्या निकाल लो। अब ये कितने रुपए पे किए उन्होंने, देखो अमाउंट तो बढ़ा है, सीधी सी बात है, तो वैल्यू को घटाना बढ़ाना तो पड़ेगा नहीं, सीधा सीधा एडिशन है। 10 रुपये हैं, यानी कि 200 रुपये तो सीधे सीधे ये हो गए, और इसमें कितने आपके 5 रुपये, तो 12 पन्ने 60 ही हो गए, तो 260 रुपये क्या हो गए, इंक्रीमेंट आ गए। यानी कि इन्होंने 260 रुपये इस साल ज़्यादा खर्च किए, यानी 12 किलो चीनी तो हर बार लेते हैं, 5 रुपये ज़्यादा खर्च किए 12 किलोग्राम चीनी पर, और प्रति किलोग्राम, और ये कितने हैं यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये इसके हो गए 20 किलोग्राम के, तो 260 रुपये क्या हो गए, टोटल हो गए जो उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किया है बी और सी में, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी कमोडिटीज इन ईयर 2019, 2019 की बात कर रहा है ए एंड डी की, तो वो पूछ रहा है कि टोटल जो है इनका रेशियो बताना है स्पेंड किए हुए खर्चों का। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करोगे, 15 × 28 = 120 करने मत लग जाना, बस आपको क्या है 15 × 80 लिखना है, नीचे क्या लिखना है 40 × 85 डिवाइड कर दो भाई, ये 2 बार गया, ये 5 से 3 बार, 5 से 17 बार, तो 3 × 6/17 क्या आ गया, इसका आंसर गया। अगर कहीं मल्टीप्लाई करने बैठे तो थोड़ी सी क्या होगा, फिर कटा पीटी में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ए वेट ऑफ 165, हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर 150। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है कि लेस देन 160, यानी कि पूरे स्लॉट में बाकी सबको क्या है मौजूद है, यानी कि 155 से कम वाले भी मौजूद हैं, 150 से कम वाले भी इसमें मौजूद हैं। इसने बोला है कि जिन स्टूडेंट्स के, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट जो 165 और उससे क्या है ज़्यादा है, 165 से कम वाले स्टूडेंट तो कितने हैं 25 हैं, और 165 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं आपके 35, और ये कितने हैं आपके 40, ठीक है। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने आपके 40 हैं, तो 40 में से ये 125 वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना आएगा इसका आंसर 15 आना चाहिए। बात समझ में आ गई कैसे आएगा, इसने बोला लेस देन 165 कितने हैं आपके 25 हैं, और इसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट कितने चाहिए जिनकी हाइट 165 और उससे ज़्यादा हो, तो 165 से ज़्यादा वाले तो ये हैं आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, तो 25 के बाद 26 से लेके 40 तक गिनोगे तो कितने होंगे 15 स्टूडेंट बैठेंगे। अब इसके बाद द परसेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज सेम, वही है गर्ल के नंबर्स का कैलकुलेशन करो और उनका क्या परसेंट निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेना इसको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, इसको कर लो, इसमें एडिशन गर्ल्स का सपोर्ट कंप्लीट निकालो एक बार देख लो, नहीं तो फिर आप नीचे कमेंट में लिखते हो कि आया नहीं होगा आपने। 8 और 5 13, तो 13 और 2 15, 15 का 5 1, यानी कि 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 1 13, 135 ही हो गया। और टोटल बोला है कि परसेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट कितने हैं टोटल, तो 3 और 2 ये कितने हो गए 60 हो गए, 60 यानी कि 100, 102, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ 102, 102, 105, 115, तो 115 तो ये हो गए और 135 ये हो गए, तो इनमें कितना हो गया 15, 5, 40, 150, यानी 250 में परसेंट निकालना है 135 का, तो 250 से 100। अब देखो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई 50% से ज़्यादा है, ठीक है बात, तो 135% तो नहीं होगा, 135 निकालना है, 50% हो नहीं सकता क्योंकि इसका 50% कितना 125 है, तो 40 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, केवल 54 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 125 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, कितना 135। अब 4 या 5 आपको क्या करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ ए टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन सेट्स आर सोल्ड टिल डेट, देन हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। देखो 5000 जो मोबाइल है सी मोबाइल, ये 5000 सोल्ड हो चुके हैं आज तक, ठीक है। इसके बाद देन हाउ मेनी ऐसे कितने हैं जो 1 साल पुराने हैं, मोर देन 1 साल से ज़्यादा के पुराने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है 10%, और ये कितना है आपके 2 से 5 साल वाले 10%, और ये क्या 5 साल से ज़्यादा वाले कितने 17%, लेकिन सिर्फ 1 साल पुराने कितने आपके 10%,
बाकी क्या है, आपके 90% जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुराने वाले हैं, तो 5,000 का सीधे सीधे 90% निकाल दो, कितना होगा, 9,45 हो गया। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, 10% को क्या कर दो, सीधा सीधा घटा दो, तो कितना हो गया, 1 साल पुराने वाले कितने हैं, 10% हैं, जो कितने 500 हो गए, रिमेनिंग क्या हो गए, 4,500 1 साल से ज़्यादा वाले हो गए, इसने यही तो पूछा है, मोर देन 1 ईयर ओल्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, नहीं देखो ये क्वेश्चन हो गए इतने, और ये काफ़ी जल्दी भी हमने कर लिए हैं, और इसको अच्छे से देख लेना इन सबको, ये बहुत अच्छा मेथड है आपको, देखो इससे बेस्ट मेथड नहीं मिलेगा। मैंने ये सभी क्वेश्चन DI के बहुत अच्छे तरीके से आपको कम से कम पेन एंड पेपर की कैलकुलेशन में आपको मैंने बता दिए हैं। अगर आपको कोई ऐसे DI का क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि बहुत टिपिकल है, नहीं हो रहा आपसे, और इसमें अनावश्यक कैलकुलेशन है, तो आप हमें इस मेल आईडी पर सेंड कीजिए, अपना नाम सेंड कीजिए, अगर किसी एग्जाम में आया है तो वो सेंड करना, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपका नाम से, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितने इजी हैं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, मैथ के क्वेश्चंस करेंगे मैं बहुत अच्छी कैलकुलेशन से, नॉर्मल कम से कम यूज होगा पेन एंड पेपर। ओके गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है इट्स सम सॉल्यूशंस के नाम से। ओके गाइस, थैंक यू।